अच्छा हाँ ये होती है जादू वाली एंट्री. ऐसा नहीं होता है. Hi, my name is Sandeep. I basically run a YouTube channel. आपने मुझे शायद देहरादून पे वीडियोस बनाते हुए देखा हो. मैं देहरादून पे बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस बनाता हूँ. I'm a professional anchor. I've been holding stages for celebrities like dancers, finalists, pop and tico, IGT, Logan Paul, for world and premium advertising. मुझे बहुत अच्छे professional anchor मिली है. मैं यहाँ बेसिकली स्टैंडअप कॉमेडी करने आया. लेट्स सी कि आपको कितनी पसंद आती है. ये कहानी मेरे पहले प्यार की है. आशा करता हूँ कि आपको भी कभी पहला प्यार होगा. ये मैंने 10 रुपये दिए थे भाई को, तभी ताली बजा. हाँ, जो बताना चाहता हूँ कि जब मुझे पहली बार किसी से पहला प्यार हुआ था, उसके अलावा मुझे कुछ नहीं दिखता था. वो जब जो वो है वो सब कुछ मेरे लिए वो ही है. हाँ, वो ही होता है. जब प्यार होता है ना, इंसान अंधा हो जाता है, कुछ उसका आगे दिखता नहीं है. देन उसके बाद धीरे धीरे प्यार की आगे लेवल बढ़ता रहता है. अच्छा, सबसे पहले तो यहाँ पे बहुत कन्फ्यूजन होता है. यहाँ पे कौन कौन डेट पे गया? सबसे पहले डेट पे सभी गए. देख भाई, मुझे अंडी मंडी सब्जी मंडी भी आता है भाई. कौन कौन डेट पे गया यहाँ पे? अच्छा, बीटेक से कौन कौन है? बीटेक से भाई, इन लोगों को डेट का मतलब नहीं पता. इन्हें ये पता है कि, इनको ये भी नहीं पता कि 10 लोग एक लड़की के साथ डेट पे जा रहे हैं मोमो खाने, वो डेट नहीं होती है. वो सीरियसली डेट नहीं होती है. इन्हें ये भी नहीं पता असली डेट का मतलब क्या होता है. एक बार मेरा फ्रेंड था, मेरा रूममेट है, वो मेरे से बोला, भाई श्वेता ने मेरे से ना आज डेट के लिए पूछा. मैंने कहा, भाई कमोड़ से गंदी शक्ल तेरी, देखो किसने डेट के लिए पूछ लिया. देन वो बोली, यार भाई भाई बोला भाई पूछ लिया. मैंने कैसे पूछा? कैरी राहुल, क्योंकि नाम नहीं लेना था उसका. कैरी राहुल, आज की डेट क्या है? वो बोला भाई ये पूछा. मैंने उसके आगे कुछ नहीं बोला भाई. मैंने कहा, तू पता चला भाई, तू बीटेक से ही है भाई. देन उसके बाद धीरे धीरे जब मेरी कहानी शुरू हुई, आई वॉज डेटिंग इंग्लिश ऑनर्स गर्ल. कोई इंग्लिश ऑनर्स है यहाँ पे? इंग्लिश ऑनर्स अच्छा कोई नहीं है. सीरियसली मैं बताना चाहता हूँ, इंग्लिश ऑनर्स की गर्ल्स को डेट करना बहुत डिफिकल्ट होता है, बहुत ही. मैं देसी गंवार आदमी, मेरे लिटरेचर खराब, मेरी ग्रामर खराब. देन उसके बाद जब प्यार का सिलसिला चालू होता है, देन हल्के हल्के पता चलता है कि रेस्टोरेंट में डेट पर गया मैं. देन इट्स रिटन कप्पू सीनो, या बट असली में नाम होता है इट्स कैपेचिनो. या तो मुझे सही है, शी टोल्ड मी दैट इट्स कैपेचिनो. मैंने ओके फाइन, इट्स कैपेचिनो. देन हल्के हल्के सब कुछ शुरुआत हुई. देन मुझे समझ में आया कि मम्मी को बताना चाहिए, मम्मी की बहू थे ये मैंने की. देन मम्मी को मैंने फोटो दिखाई, देन मम्मी से भी, मम्मी कह रही, बेटा बहू तो सुंदर है, बाकी आगे क्या कब मिलवाएगा. मैंने मिलवाने की सोचा आगे, आगे जब होता है प्यार होता है सोचते हैं कि हाँ मिलवाना है आगे. फिर मैं हूँ थोड़ा गंदा किस्म का आदमी, मुझे 2 मिनट भी किसी के साथ बैठा तो मुझे प्यार हो जाता है. सीरियसली मुझे प्यार हो मुझे मैंने अगर किसी से नैन भी मिलाऊँ ना, मैं आंखों से आके मिलाऊँ, मुझे पता चल जाता है कि भाई ये मेरे से प्यार करने लगा. हाँ यार, प्यार हो जाता है किसी भी पॉइंट पे भी, किसी भी को देख के प्यार हो जाता है. मेरी भी एक क्लास की, मेरी भी क्या हुआ एक दिन जब हमारा डेटिंग चालू हुआ था. देन उसके बाद 10:59 पे उसकी कॉल आई. मैंने 11:02 पे उसे कॉल किया वापस. कह रही, तुम कहाँ किसी से बिजी हो, तुम इतने बिजी हो, ये वो, ऐसे तुम बात नहीं करते मेरे से, ये वो. देन मैंने कहा, भाई मैं कंबोर्ड में बैठा था, कुछ काम कर रहा. देन उसको इतना भी, वो मेरे लिए इतना पता नहीं क्या करती, मेरे से इतना प्यार कर दिया कि वो मेरे को चाहती कि मुझसे कॉल कंबोर्ड में भी जाके उठाऊँ. देन उसके बाद जब भी रेट होता है, उसे पता लगने लगा ये लड़का तो बहुत ख़राब है, इसको भी 2 मिनट में किसी से प्यार हो जाता है. भाई मैंने कब करूँ तो कह रू क्या. फिर एक दिन किसी दिन लड़ाई हो गई. देन इसने मेरे को बोला, बीसी तू तो चूक गया है. मैंने कहा, भाई यार. देन मेरे को बहुत लड़के यहाँ की बोलती है, हाँ कि दे बोल सही कि मैं देहरादून, मैंने भी जस्ट रिसेंटली, मैं आपका भी 4 वीडियोज़ बनाता हूँ, मैंने भी रिसेंटली वीडियोज़ बनाई थी देहरादून ऑन गालियाँ. देन सब लिखे बीसी. मैंने कहा, भाई यार ये क्या है. मैंने उससे एक लड़की से पूछा, आप यहाँ की देहरादून की लड़कियाँ सब बीसी क्यों बोलती है? देन वो सही, लड़कों ने सिखाया है इसलिए हम बोलते हैं. मैंने कहा, भाई यार. देन उसके बाद
फाइनली ब्रेकअप हो गया देन उसके बाद मैं एंकरिंग प्रोफेशनल एंकर था जब जाता हूँ यहाँ पे थोड़ा ठीक ठीक लग जाता हूँ शक्ल किसी को पसंद आ जाता देन एक लड़की थी और मैं रॉयल एंकरिंग एंकरिंग कर रहा था देन उसके बाद उसने मेरे को बोला कि आई फाउंड यू सो क्यूट कैन वी एक्सचेंज नंबर देन फाइनली सब मैंने उससे पूछा आप इंग्लिश ऑनर्स की तो नहीं हो उससे बोला कि नहीं इंग्लिश ऑनर्स की देन हमारी मुलाकात बढ़ गई देन उसके बाद मैंने भाई उस लड़की के साथ मैंने ऑलमोस्ट एक महीना दो महीना तीन महीना ऑलमोस्ट अभी मेरे साथ है मुझे पता चला कि यही है वो लड़की जिससे मेरे को मोहब्बत हो सकती है जो ये मेरी मम्मी की बहू बनेगी इस बार पक्का था कि ये मम्मी की बहू बनेगी देन उसके बाद मैंने तो ये भी सोच लिया था कि लड़के का नाम होगा गोलू लड़की का नाम होगा मुमताज क्योंकि मुझे मेरा ताजमहल मिल चुका था आशा करता हूँ आपको भी कभी आपका ताजमहल मिले धन्यवाद थैंक यू थैंक यू बहुत अच्छा है अपनी तारीफें भी कर रहे हैं परफॉर्मेंस के बीच में खुद ये खुद बहुत बड़े कॉन्फिडेंस वाला ऐसा हो यार तालियां बजाओ कॉन्फिडेंस के लिए हौसले